मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कपकेक की रेसिपी। जब भी हम कपकेक बनाते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने मेरी केक की पहले की रेसिपी देखी होंगी या आपने केक्स बनाए होंगे तो हमेशा हम उनको कट करके उनमें एक सिरप लगाते हैं जिससे कि वो केक बहुत मॉइस्ट होता है। बट ये चीज आप कपकेक में नहीं कर सकते। अगर आपने मार्केट के कभी कपकेक खाए होंगे तो वो बहुत ही मॉइस्ट और स्पॉन्जी होते हैं। तो आज आप मेरी इस रेसिपी को अगर एंड तक फॉलो करेंगे तो आप जान पाएंगे घर में ही हम बिल्कुल सुपर मॉइस्ट फ्लफी कपकेक कैसे बना सकते हैं और बहुत ही कुछ चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स को यूज करके। यहाँ मैं आपको बहुत ही बेसिक सी रेसिपी दे रही हूँ और जिसको आप डिफरेंट फ्लेवर्स और बहुत ही वर्सेटाइल रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम कपकेक को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूंगी 1 कप दही। तो यहाँ मैंने ये 1 कप लिया है, नॉर्मल कप है, कोई मेजरिंग कप की जरूरत नहीं है आपको। तो सिंपल जिस कप में आप चाय पीते हैं ये स्टैंडर्ड कप साइज है। तो इसमें से आप तो ये मैंने 1 कप दही लिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो दही है वो बटर मिल्क जितना बिल्कुल स्मूथ और वाटरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थिक, जितना थिक आप पॉसिबल हो उतना थिक लें। अगर बहुत पतला दही है आपका घर में तो आप उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए छलनी पे या कपड़े में हैंग कर दें। तो उससे होगा क्या, जो एक्स्ट्रा पानी होगा दही का, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है मेरा ये योगर्ट दही जिसको आप कह सकते हैं। तो ये मैंने 1 कप लिया है यहाँ पे। अब दूसरी बात आपको दही की ये ध्यान रखनी है, जो दही लेना है वो आपको रूम टेम्परेचर का लेना है, बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर चिल्ड है तो आप उसको बाहर काउंटर टॉप पे निकाल के रख दीजिए जिससे कि वो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब इस दही में हमको ऐड करना है 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। तो जितना हम बेकिंग सोडा लेते हैं उसका जस्ट डबल हम लेते हैं बेकिंग पाउडर। जी हाँ, तो यहाँ पे अब मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। कपकेक्स में दोनों ही जरूरी होते हैं, बेकिंग सोडा भी बेकिंग पाउडर भी। तो अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अक्सर अगर आपने पहले कभी कपकेक्स बनाए होंगे और अगर आपके कपकेक हार्ड बनते हैं, बहुत फ्लफी नहीं बनते हैं, तो आज की रेसिपी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हूबहू फॉलो करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि घर पे सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट कपकेक, फ्लफी कपकेक बनाना कितना आसान है, वो भी कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज करके। और ये कम्प्लीटली एगलेस है, बहुत ज़्यादा ईजी है बनाना, तो आप 1 कपकेक से ज़्यादा खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दही में अच्छे से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर दिया है और अब हम इसको साइड में रख देंगे जिससे कि जो हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, अच्छे से हमारे दही को एरिएट कर दे, बहुत फ्लफी हो जाए। तो अभी मैं इसको बिना टच करे इसको हम ऐसे ही लीव करेंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे एक प्लेट में मैंने छलनी ली है और यहाँ मैंने दूसरा कप लिया है और यहाँ पे मैं 1 कप, आपको जब भी जो कप लेना है उसका ध्यान देना है कि वो कप जो है बिल्कुल इवन होना चाहिए नीचे से ऊपर तक। ऐसा ना हो कि वो डिफरेंट शेप का हो, नीचे से और ऊपर से डिफरेंट साइज का हो, तो बिल्कुल एक सा होना चाहिए नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा और 1/3 कप हम इसमें और ऐड करेंगे, तो 1+1/3 कप मैदा हमें लेनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैदा के बना रही हूँ, बट यकीन मानिए मैं घर पे जो कपकेक्स बनाती हूँ वो आटे को यूज करके बनाती हूँ और वो भी उतने ही अच्छे और फ्लफी बनते हैं। तो यहाँ पे 1/3 कप मैंने मैदा ली है और इसको मैं छान लूंगी। और अगर हो सके तो आप इस प्रोसेस को 2 बार करें जिससे कि अच्छा एरिएशन आएगा आपके कपकेक्स में और बहुत ही फ्लफी बनेंगे। तो 2 रीजंस हैं, एक तो आपका दही में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अच्छे से मिला हुआ हो और साथ ही जो आपके मैदा ले रहे हैं उसको डबल 2 बार छान के रिपीट 2 बार छान लें। तो
ये हमारा छन गया है। अब जो हमने दही में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिला के रखा था वो आप देख सकते हैं काफी फ्रॉथी हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें काफी झाग आ गए हैं, बहुत फ्रॉथी हो गया है ये बिल्कुल, देखिए, और बहुत लाइट भी हो गया है, देख सकते हैं आप, काफी लाइट हो गया है ये, बिल्कुल झाग की तरह, जैसे फ्रॉथ होता है वैसे। तो अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप जितनी पिसी हुई चीनी। तो अगर आप घर में पीस, अगर आप साबुत चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो आप 1/2 कप से थोड़ी सी ज्यादा लेंगे तो पिसने के बाद वो 3/4 कप हो जाएगी। और अगर आप ज्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं अपने डेजर्ट्स में, कपकेक्स में, तो आप इसकी क्वांटिटी 1 कप तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप जितना ऑलिव ऑयल। तो हम सभी जानते हैं कि ऑलिव ऑयल किसी भी वेजिटेबल ऑयल से ज्यादा हेल्दी है, तो अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो प्लीज ऑलिव ऑयल ही यूज करें, अदरवाइज आप इसकी जगह कोई बटर या कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस, क्योंकि हम वनीला कपकेक बना रहे हैं। अगर आप ये कपकेक्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या फिर पाइनएप्पल फ्लेवर के बना रहे हैं तो आप उसका एसेंस यूज कर सकते हैं, बट वनीला फ्लेवर बहुत ही जनरल सा एसेंस है या फ्लेवर है जो कि अक्सर घरों में अवेलेबल होता है। तो अगर आप किसी और फ्लेवर के भी बना रहे हैं तब भी आप वनीला एसेंस तो यूज कर ही सकते हैं। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे, किसी बीटर की, इलेक्ट्रिक बीटर या विस्कर की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से बस इसको मिक्स कर लें। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपनी जो हमने मैदा को छान के रखा था उसको हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं पहले 1/2 मैदा ऐड कर रही हूँ, देखिए इसको कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं, आपने पहले फोल्ड किया फिर कट किया, कट फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड, बहुत विग्रसली आपको बहुत तेज तेज अपने जो इस मिक्सचर है, केक का बैटर है, इसको बहुत ज्यादा तेज तेज नहीं इसको मिक्स करना है, बहुत हल्के हाथ से आप कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे तो आप अपने कपकेक्स में या केक्स में काफी डिफरेंस पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम अपनी रेसिपीज में अगर हम यूज करते हैं तो हमारी रेसिपीज डिफरेंट भी होती हैं और बहुत टेस्टी भी होती हैं। और ये कुछ मेथड्स ऑफ कुकिंग हैं, तो ये मेथड ऑफ बेकिंग है, तो आप फोल्ड करें फिर कट करें फिर फोल्ड करें फिर कट करें। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे पहले ओरियो केक, स्ट्रॉबेरी केक ये डाले हुए हैं, बहुत ही ईजी मेथड से, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स को यूज ना करके हम घर में ही विदाउट एनी प्रोफेशनल कोर्सेज करके हम कैसे बहुत इजीली घर में ही केक्स बना सकते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो मैंने उसमें बताया है। तो उसका कार्ड ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, एंड बिलीव मी कि अगर आप उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपकी जो केक्स हैं वो भी उतने ही टेम्पटिंग और अमेजिंग बनेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो जब मैं ये बैटर तैयार कर रही हूँ इस टाइम पे मैंने अपना जो OTG है उसको प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है 180 डिग्रीज पे वो प्री हीट हो रहा है। प्री हीट आप हमेशा ज़रूर करें, कई बार लोगों को लगता है कि प्री हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब आप किसी भी चीज़ को बेक करते हैं तो प्री हीटिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। ये उसी तरह है कि आप ठंडे तवे पे कभी रोटी नहीं डालते हैं, हमेशा तवा गर्म होने के बाद रोटी उस पे डालते हैं सिकने के लिए। आप सोच के देखिए, अगर आप ठंडे तवे पे रोटी डाल देंगे तो वो कैसी हो जाएगी। सिमिलरली आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेकिंग के डिपेंड करते हैं कि आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करा है और प्री हीटिंग, आपने अवन की प्री हीटिंग परफेक्टली करी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना स्मूथ इसका बैटर है, पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल रिबन लाइक कंसिस्टेंसी है, आप देख रहे हैं जब मैं नीचे इसको पोर कर रही हूँ तो बिल्कुल परफेक्टली ये ड्रिप हो रहा है। अब
अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपका बैटर इस तरह का नहीं है तो कभी भूल कर भी पानी उसमें ऐड नहीं करें। हमेशा छोटी चम्मच से एक एक चम्मच करके दूध का यूज करें। तो ये दूसरी मतलब एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी आप केक का या कपकेक के बैटर्स बनाते हैं तो हो सकता है इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी डिफरेंट होने की वजह से उसकी कंसिस्टेंसी डिफर करे, तो हमेशा आप मिल्क का यूज करें उसकी कंसिस्टेंसी को इवन आउट या स्मूथ करें। तो यहाँ पे मेरे पास ये कप लाइनर्स मैं यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं थोड़े कलरफुल से हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो जो चाय के पेपर ग्लास आते हैं, पेपर कप्स आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और आप इस तरह के सिलिकन मोल्ड्स भी यूज कर सकते हैं कपकेक बनाने के लिए। तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। अब यहाँ पे मैं इनको 3/4 जितना ही इनको भरना है, बिल्कुल ओवरफ्लो नहीं करना है इनको, क्योंकि हमें जगह छोड़नी है हमारे कपकेक्स जिससे कि अच्छे से राइज हो सके। तो अगेन कोई फैंसी टूल की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इवनली आप इनको फिल कर सकते हैं। अगर आप कपकेक्स के ऊपर आइसिंग करने वाले हैं, फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं बटर क्रीम से या फिर व्हिप्ड क्रीम से, तो आप थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं अपने कपकेक्स में। बट अगर आप उनको बस एज अ टी टाइम स्नैक ही इंजॉय करना चाहते हैं या बच्चों के मंच बॉक्स में आप उसको देना चाहते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा शुगर उसमें एड ऑन कर सकते हैं। यही बेनिफिट है अपना घर में बनाने का, ये सब चीज़ें कि हम अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं हल्का सा पैक करूँगी और अब मैं थोड़ा सा बैटर बचा है तो मैं सिलिकन मोल्ड्स में, आप लाइनिंग लगा भी सकते हैं सिलिकन मोल्ड्स में और बिना लगाए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 कपकेक्स तैयार हुए हैं, 10 कपकेक्स बिल्कुल रेडी हैं अवन में जाने के लिए। मेरा अवन भी जो है वो बिल्कुल प्री हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने सिलिकन मोल्ड्स में भी डाला है और नॉर्मल पेपर लाइनर्स में भी। तो अब मैं इनको बेक करूंगी करीब 20-25 मिनट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन द अवन यू हैव। तो सबके अवन थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आप इसको 20 मिनट्स के बाद जरूर चेकआउट करें। आपको लग रहा होगा कि कपकेक्स केक के मुताबिक थोड़े से जल्दी बेक होते हैं, क्योंकि कपकेक्स की क्वांटिटी एक कपकेक में काफ़ी कम होती है और केक जब हम बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़े कंटेनर में होता है, काफ़ी वॉल्यूम होता है अगर मैं एक ही पीस की बात करूं, और कपकेक थोड़े छोटे होते हैं। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं, थोड़ा बेकिंग टाइम चेंज हो जाता है कपकेक में, केक में हम अगर हम आइसिंग करते हैं तो हम बीच में से उसको लेयर्स को कट करके उसको मॉइस्ट करते हैं शुगर सिरप के साथ, किसी फ्रूट सिरप के साथ, तो भी वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट इस वजह से भी रहते हैं। लेकिन कपकेक्स में हम वो चीज़ नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं बट कपकेक में जनरली वो चीज़ फॉलो नहीं होती है। तो इसीलिए हमें कपकेक्स को मॉइस्ट रखने के लिए, और वो भी अगर एगलेस है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 20 मिनट्स में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं और मैंने टूथपिक इंसर्ट करके भी इनको चेक कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही यमी बने हैं ये। और अभी हम इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे सिलिकन मोल्ड्स में से निकालने के लिए। जो कप लाइनर्स में मैंने लगाए हैं, मतलब जो पेपर कप जो इस तरह से हैं, इनको तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जब भी खाएँ तभी इनको इनमें से हटा सकते हैं। तो इनको अच्छे से हम ठंडे होने देंगे और उसके बाद मैं इस पे आपको दिखाऊंगी कि हम इनको किस किस तरह से और ज़्यादा टेम्पटिंग बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही चाय या कॉफ़ी के साथ इनको खा सकते हैं। और आज मैं आपको इनको फ्रॉस्टिंग करके भी दिखाऊंगी कि हम फ्रॉस्टिंग करके बहुत सिंपल तरीके से इनको और ज़्यादा कलरफुल और डिलिशियस बना सकते हैं। तो आप इनको ऐसे ही प्लेट पे ठंडा होने के लिए ना रखें, इस तरह की किसी भी वायर्ड रैक पे, इस तरह की अगर ट्रे है वायर्ड वाली जिसमें नीचे और ऊपर से इक्वली ये ठंडे हो सके, इससे थोड़े जल्दी ठंडे होते हैं और नीचे से पसीजते नहीं हैं, मतलब नीचे से एयर जब पास नहीं होती है तो वो बहुत अच्छे से नीचे से ठंडे नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसको इस तरह की वायर्ड रैक पे रखते हैं जिसमें एक हॉलोनेस रहती है, एक हाइट मिलती है और इवनली हमारी जो बेक्ड डिश है केक या कपकेक वो इवनली ठंडे हो पाते हैं।
तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दूंगी और उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ये सभी कपकेक्स तैयार हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं अच्छे से राइज भी करा है इन्होंने और ये बहुत ही फ्लफी भी है। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। मैं अगर इनको प्रेस कर रही हूँ तो ये वापस अपनी शेप जो है वो रिटेन कर पा रहे। तो अब हम अपने केक कपकेक्स को और भी ज्यादा टेम्पटिंग और बहुत टेस्टी बनाने के लिए इनको इनपे हम आइसिंग करेंगे। तो आज मैं आइसिंग कर रही हूँ फ्रॉस्ट व्हिप्ड क्रीम को यूज करके। तो आज मैं इनको कलर दे रही हूँ, ब्लू कलर के कपकेक्स में बना रही हूँ। वैसे तो आप इनको ऐसे ही सादा ही इंजॉय कर सकते हैं बट आइसिंग लगा करके इनके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करके ये और ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं, कलरफुल भी लगते हैं और बहुत टेम्पटिंग भी लगते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो चलिए झटपट अब इनके आइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे आइसिंग के लिए मैंने इस तरह के पाइपिंग बैग में ये व्हिप्ड क्रीम में ब्लू कलर मिक्स कर लिया है और मैं स्टार नोजल का यूज कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक नोजल है। सबसे पहले अगर आप कोई भी नोजल परचेज करना चाहते हैं तो स्टार नोजल ही परचेज करें क्योंकि इससे आप वैरायटी ऑफ डिजाइंस बना सकते हैं। तो सिंपली बस हम बीच से शुरू करेंगे, बीच में हम प्रेस करेंगे और बिल्कुल पास पास हम प्रेस करते हुए प्रेस करते जाएं और बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे हमें रखना है। बहुत ज्यादा आर्ट नहीं है इसको बनाना। देखिए तो बहुत ही अच्छा एक रोज बनके तैयार हुआ है, रोजेट आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी स्टार नोजल से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं, इसके ऊपर आप स्प्रिंकलर्स डाल सकते हैं। ये तो मैंने एक रोजेट बनाया है, आप इसी तरह से मैं एक दूसरा डिजाइन बना रही हूं। इसमें आपको बाहर से शुरू करना है, तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे रखते हुए अपने पाइपिंग बैग को अच्छे से निकालते हुए स्क्वीज करते हुए आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो आपने देखा बहुत ही आसान है। इसी तरह मैं अपने सभी कपकेक्स को डेकोरेट कर लूंगी, इनकी आइसिंग कर लूंगी। मैंने एक और डिजाइन बनाया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे स्टार्स नहीं बनाए हैं मैंने ये। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको तीन शेप्स दिखाई हैं, एक तो ये और ये रोजेट्स। तो आप देख सकते हैं तीनों ही शेप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मन चाहा आप इस पे कलर कर सकते हैं, जो भी आप कलर डालेंगे फूड कलर, उस कलर का आप इसको बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मिलते हैं ऐसी टेस्टी हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।